प्रदेश में हुई किसानों की फसलों की बर्बादी और पूर्व में सरकार को दिए गए समर्थन मूल्य की राशि को लेकर कांग्रेस और किसान सड़कों पर आ गए हैं। उज्जैन विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री को कांग्रेस की सरकार के समय के 40,000 रुपए हेक्टेयर की बात याद दिलाई। उज्जैन तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों की मौजूदगी में उज्जैन कलेक्टर का घेराव किया है। दो दिन की बारिश के बाद सोयाबीन की हुई बर्बाद फसल को लेकर किसानों को आर्थिक विशेष राहत पैकेज एवं फसल बीमा राशि देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। पूरे पिछले 8 दिन में हमारे उज्जैन, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना, पूरे उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पीला मोजक और उसमें फफूंद लगना, अपने आप हरी सोयाबीन का लटकना, पूरी तरह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। हम उज्जैन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को यह हमारी मांग रखने आए थे कि तत्काल किसानों को मुआवजा, विशेष राहत पैकेज और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उन्हें दिया जाए। पिछले 8 दिन से लगातार 3 बार हमने उज्जैन कलेक्टर से बात की, उसके बाद करने के बाद भी इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज पूरे जिले से और उज्जैन तराना से हमारे से हजारों की संख्या में किसान साथी यहाँ आए, तो कलेक्टर जब उनके जागे और गांव-गांव में उन्होंने आदेश किया और सर्वे करने लगे, तो हम कलेक्टर साहब से यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में काम नहीं करें, किसानों की बात सुने। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों को देता, तो आज वो मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी ने तो पिछले बार अतिवृष्टि हुई थी, बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, वही बात हम रखने आए थे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, 7 दिन के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज दुख की घड़ी में किसान भाई कोरोना के नाम पर हर समय किसानों को लूटा जा रहा है, आज तक गेहूँ के पैसे नहीं मिले, बिजली के 100 रुपये के बिल आते तो 2,000-3,000 रुपये आ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और आगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज ये ज्ञापन लिया गया है, बेसिकली इनकी जो मांग है कि सोयाबीन की फसल जो है उसमें काफ़ी क्षति हुआ है, और इसके लिए आज कलेक्टर साहब अपने पूरे दल बल के साथ तराना विजिट पे हैं। इसके अलावा उन्होंने और अन्य तहसीलों का भी भ्रमण किया है, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट था वो अभी 31 अगस्त कर दिया गया है, और चूंकि अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन संडे को हमारे यहाँ लॉकडाउन होने से हम इसमें विशेष छूट दे रहे हैं कि सभी बैंक जो वहाँ पे सिचुएटेड है वे सभी अपने वर्किंग आवर्स में खुली रहेंगी, जिससे कि फसल बीमा योजना में कोई भी किसान जो है वो पंजीकृत होने से वंचित ना रह जाए। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।